किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो कॉल के मद्देनजर बीते लगभग एक महीने से हरकत में आ चुकी हरियाणा पुलिस का आज शंभू बॉर्डर पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। सुबह सुबह हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पूरे पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ शंभू बॉर्डर हालातों का जायजा लेने पहुंचे, जिसके बाद डीजीपी के शंभू से निकलते ही हरियाणा पुलिस ने अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे 44 को पूरी तरह बंद कर दिया। घग्गर नदी के ऊपर पुलिस ने ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग कर पंजाब से आने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। अचानक हाईवे बंद होने से सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए, जिसके बाद लोग पुलिस के साथ बहस भी करते नजर आए। लोगों का कहना है कि पुलिस ने अगर हाईवे बंद करने थे तो आमजन को पहले सूचना देनी चाहिए थी। वहीं रास्ते बंद होने के बाद लोग पैदल ही पंजाब से हरियाणा की तरफ जाते हुए नजर भी आए। जानकारी कोई जानकारी नहीं, खड़े पैर बंद करता हुआ तो दूसरी कोऑपरेट तो करो ना यार। अफसर काले किन्ना ने अफसर बनाता है इन्होंने यार, पढ़े नहीं लिखे नहीं, पता नहीं किसको रिश्वत दे के इन्होंने फ्री लागे हुए जगह दिमाग काम करता ना इन्हों का यार। ऐसी परेशान हो जाइए यार, कितों कितों फ्लाइट छड़ के आइए जाके, तो यूटर नहीं मारन दे रहे साडा दिमाग। यूटर नहीं मारन दो कम से कम। कौन अफसर का नाम पता लगे की है यार अफसर का? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजय वर्मा है जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं शंभू अड्डे से। कहाँ चले जी? मेरे को यमुनानगर जाना है जी। क्या दिक्कत परेशानी है? दिक्कत परेशानी कोई साधन ही नहीं है जी, पैदल चले 1.5 किलोमीटर दूर से जी। पीछे पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं पता? पुलिस प्रशासन है जी पीछे। उन्होंने कुछ बताया? कुछ नहीं बताया जी, उन्होंने सिर्फ बैरिकेड लगा रखे उन्होंने।